स्टूडेंट्स, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 8, एनसीईआरटी। अब यहाँ पर टी और 5 का डिवाइड हो रहा है। मैंने पहले बताया था आपको, देखो कि यहाँ पर मैंने डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा है आपका, यहाँ पर इधर से टी इज इक्वल टू, बस फर्स्ट स्टेप में ही आपका आंसर आ गया 10 × 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिवाइड हो रहा था। टी इज इक्वल टू आपका हो गया 10 × 5 = 50, तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल सा। यहाँ पर इम्प्लाइज डेट लगा दीजिए, यहाँ पर इम्प्लाइज डेट लगा दीजिए, और जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह से आप करेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। अब यहाँ पर देखो, सिंपल सा 2x/3 = 18 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 को मैं उधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पर हमारे पास में 18 पहले से ही है और 3 उधर चले जाएगा, तो ये 3 इधर आ गया है और यहाँ पर आपका 2x हो गया। तो आपके क्या बन गया, 2x = 18 × 3। आप क्या है, सिंपल सा भी 18 × 3 को मल्टीप्लाई मत करो, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू उसको डिवाइड कर देगा, तो 18 × आपका हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और x का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, ये इस तरह से 9 × 1 तो आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 × 3, तो 9 × 3 = कितना होता है 27, तो दिस इज़ द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, 1.6 = y/1.5। तो इसको मैंने क्या करा कि इसको ऐसे उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया है, क्योंकि LHS RHS को आप पूरा ट्रांसफर करेंगे तो देर इज नो चेंज। अब यहाँ पर हमको y की वैल्यू लगाना है, तो ये सिंपल सा y/1.5 = 1.6, तो ये दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एज यू हैव सॉल्व जस्ट 3/5 = 10। तो सिंपल सा है कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 × 1.5, और आपको 1.6 y इज इक्वल टू अपने पास में था 1.6 × 1.5। अब इसको आप 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई 6 × 5 = 30, 0 इधर 3 आ गया, 5 × 1 = 5 और 3 = 8 हो गया, फिर इधर से ये करेंगे तो 1 × 6 = 6 हो गया और 1 × 1 = 1 हो गया है, ये 0, 8, 6, 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 2। अब डेसिमल प्लेसेस 1, 2 है, तो 1, 2 के बाद में लगा दिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर y इज इक्वल टू 2.40। दिस इज द आंसर कंप्लीटेड।